नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम हमारे किसान साथियों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही है। क्या आपको पता है कि अगर आपकी फसल कटाई के बाद भी फसल खराब हो जाए तो उसके ऊपर भी मुआवजे का प्रावधान है? जी हाँ, कई किसान साथियों की फसल बेमौसमी बारिश की वजह से खराब हो चुकी है। कई किसान साथी ऐसे थे जिनकी खड़ी फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि खरीफ की फसल की कटाई के समय में जो बेमौसमी बारिश हो रही है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में बारिश हुई थी और अभी अक्टूबर में भी बारिश लगातार जारी है, जिस वजह से किसान साथियों की फसल खराब हो चुकी है। अगर आपकी खड़ी फसल खराब हो गई है तब उसके लिए भी आपके पास मुआवजे का ऑप्शन होता है। और कई किसान साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल की कटाई कर ली है, कटाई करने के बाद उन्होंने अपनी फसल को सुखाने के लिए अपने खेत में छोड़ा हुआ था, तब ऐसे में जो बेमौसमी बारिश हुई है तो उस वजह से भी उनकी फसल खराब हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी मुआवजे का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है वो ये है कि 72 घंटे के अंदर आपको सरकारी जो कृषि अधिकारी है उसको, या फिर जिस कंपनी से आपने क्रॉप इंश्योरेंस करवाया है उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को आप इसके बारे में अवगत जल्दी कराइएगा। अगर आप अवगत कराते हैं 72 घंटे के अंदर, तब आपको मुआवजे का पूरा हक मिलेगा। आपकी जितनी फसल ख़राब हुई है, सरकार द्वारा जितना भी मानक तय पे किया गया है तो उसके अनुसार आपको भुगतान ज़रूर मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपकी खड़ी फसल ख़राब हो गई है, अगर कटाई के बाद भी आपकी फसल ख़राब हो गई है, तब भी आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके 72 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट सरकार तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि आपको मुआवजा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।